इस देश के कोने कोने में बिखरी पड़ी है कहानियां, कुछ पत्थरों में गड़ी हुई तो कुछ पीछे छूटी निशानियां। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से में फैले निमाड़ क्षेत्र में मौजूद इंदौर से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक छोटा सा ऐतिहासिक शहर है महेश्वर। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आज हम आप पहुंचे हैं अहिल्या फोर्ट पर। इसे वीर मराठा महारानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। 1754 में उनके पति खांडेराव होलकर कुंबेर के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उसके 12 साल बाद जब उनके ससुर मल्लरराव होलकर की मृत्यु हुई तो उन्होंने अपने शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली और एक बहुत बड़ा फैसला किया। उन्होंने अपनी राजधानी को इंदौर से यहाँ महेश्वर में शिफ्ट कर दिया और तभी नर्मदा नदी के किनारे ये भव्य और मजबूत किला बनवाया। पवित्र नर्मदा नदी के तट पर बसा महेश्वर 18वीं सदी के भव्य मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। अहिल्या किले की प्राचीर का निर्माण मुगल बादशाह अकबर ने 1601 में कराया था। जब अहिल्या बाई ने इसे अपना घर बनाया तो बाकी का निर्माण उन्होंने कराया। ये किला मराठा शिल्पकला की साधारण वडा शैली में बना है। रानी अहिल्या बाई एक सशक्त और काबिल शासक थी। उन्होंने 1767 से लेकर 1795 तक मराठा होलकर वंश का नेतृत्व किया। वे युद्ध के मैदान में भी अपनी सेना की अगुवाई भी करती रहीं। अपनी राजधानी को यहां महेश्वर लाने के पीछे भी उनका मकसद उसे आक्रमणकारियों से बचाना था, लेकिन उससे भी ज्यादा उन्हें उनकी सादगी के लिए जाना जाता है। उन्होंने देश भर में बहुत से मंदिरों, धर्मशालाओं और घाटों का निर्माण कराया। इन घाटों पर सती हो चुकी महिलाओं के स्मारक बने हुए हैं। कहते हैं कि देवी अहिल्याबाई बहुत न्यायप्रिय थी। यहीं पर उनका दरबार लगता था। इसी सिंहासन पर वो बैठा करती थी। उनकी साइड में हुआ करते थे दरबारी और सामने रहते थे फरियादी और अपराधी। बताते हैं कि न्याय करते वक्त उनके हाथ में हमेशा एक शिवलिंग रहा करता था। अहिल्याबाई कला की संरक्षक भी थी। कहते हैं कि उन्होंने सूरत के बुनकरों को यहाँ लाकर बसाया और उनसे आग्रह किया कि वे साड़ियों पर ऐसे डिजाइन उकेरें जो कि महेश्वर के आर्किटेक्चर की छाप हों। खालिस रेशम से बनी माहेश्वरी साड़ियां उनके ही प्रयासों से आज सारी दुनिया में मशहूर हैं। किसानों और व्यापारियों पर लगने वाले कर यानी टैक्सेस को लेकर भी रानी अहिल्याबाई काफी उदार रहीं। यही कारण रहा कि उनके शासनकाल में मराठा मालवा राज्य ने बहुत तरक्की की। होलकर परिवार की एक बात और बड़ी खास है कि उन्होंने राजकोष का इस्तेमाल कभी अपने निजी खर्चे या फिर पारिवारिक खर्चे के लिए नहीं किया। इसके लिए उन्होंने अपनी निजी संपत्ति से होने वाली आय का इस्तेमाल किया। लोग बताते हैं कि अहिल्याबाई के पास उस समय अपने करीब 16 करोड़ रुपए हुआ करते थे, जिससे उन्होंने देश भर में मंदिर और घाट बनवाए। महेश्वर में अहिल्याबाई का बनवाया हुआ भगवान शिव का प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर है।
इस मंदिर में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग स्थापित है। ये मंदिर शिल्प कला का एक अद्भुत नमूना है। यहाँ धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से हर रोज सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं। नर्मदा नदी के बीचों बीच 10वीं शताब्दी का बना बानेश्वर महादेव मंदिर है। इसे 15वीं सदी में आनंद राज परमार ने बनवाया था और उससे कुछ ही दूर पर है सहस्त्रधारा, जहां नर्मदा का चंचल रूप नजर आता है। माँ रेवा के सानिध्य में यहाँ लोग इतना डूब जाते हैं कि उन्हें दीन दुनिया की कोई खबर नहीं रहती, और शायद यही वजह है कि लोग महेश्वर में खिंचे चले आते हैं। महेश्वर आकर महारानी अहिल्याबाई होलकर के व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रहा जा सकता। वक्त के पन्नों पर उन्होंने कुछ ऐसे निशान छोड़े हैं जो उनके नेतृत्व क्षमता को दर्शाते हैं। आप जब कभी महेश्वर आए तो महारानी अहिल्याबाई होलकर के इस गौरव और तेज से रूबरू होना ना भूलें।